Yasir bhai, the guy in Dude 86 is filming us. Peace, bro. मज़े का मौसम है. आई एम एंजॉइंग द राइड एंड आई एम एक्साइटेड. आज लिस्ट में एक और न्यू कंट्री ऐड होने वाली है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग. डे 3 गुड मॉर्निंग हो गई हैं. कल रात वॉज़ वेरी टायरिंग, बहुत लंबा दिन हो गया था. लेकिन पाकिस्तान राइडर्स ग्रुप जो है UAE, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की. बहुत अच्छी राइड रही. एवरीथिंग वॉज सो वेल प्रिपेयर्ड एंड सो ब्यूटिफुल. फूड वॉज वेरी गुड, पीपल सुपर नाइस. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वॉज अ लाइफ टाइम ऑफ एन एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से सबसे मिलके. आज हम लोग का डे 3 है. आज हम लोग निकल रहे हैं ओमान के लिए और बस अब नाश्ता वगैरह करेंगे. पैकिंग ऑलमोस्ट मैंने कर ली है. बस होपफुली काफ़ी सीनिक व्यू रहने वाला है इंशाल्लाह. बस चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, सामान रेडी है, गाड़ी में रखेंगे, बाइक सेटअप करते हैं और ऑफ टू ओमान. नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े हैं और आज का रास्ता काफ़ी लंबा है. कोई शहर का नाम बताया था लड़कों ने, भूल गया. बस इतना पता है मुझे कि काफ़ी दूर है यहाँ से. मैं पहली दफ़ा ओमान जा रहा हूँ लाइफ में. इतनी बार बाकी सब GCC की कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ. पता नहीं कभी ओमान आने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, बल्कि कभी एयरपोर्ट से ट्रांजिट तक नहीं किया मैंने. देखा, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में. चलें जी, फ्यूल स्टेशन आ गया है. यहाँ पे हम लोग बाइक्स वगैरह फुल करेंगे और ठंडा पानी, चॉकलेट चॉकलेट इस तरह की स्नैकिंग वगैरह का सामान खरीदेंगे और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. आज का हम लोग का इंशाल्लाह ट्रिप है तकरीबन 650 किलोमीटर, नहीं 682 किलोमीटर टू बी वेरी प्रिसाइज. और मेरा अंदाज़ा है कि जितनी हम लोग ब्रेकें शेक लेते हैं, क्योंकि एक दो बाइक्स हैं जो 100-150 किलोमीटर पर रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाता है उनका फ्यूल. तो आई थिंक मेरा अंदाज़ा है कि हम लोग आठ घंटे में पहुँच जाएंगे ये सर भाई. Yeah. 8 घंटे में पहुँचने का है हम लोगों का इंशाल्लाह. बाकी आप लोग आ गए, सीन दिखाते हैं. मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ. यहाँ के भी रोड्स वैसे ही हैं सऊदी जैसे, एकदम वीरान बियाबान. अभी तक मौसम इज़ वेरी नाइस, ना गर्म है ना ठंडा. इन शॉर्ट मस्त माहौल ते मिठे चौल. अभी तकरीबन 150 किलोमीटर का अच्छा स्ट्रेच मारा है और हम लोग बॉर्डर के पास पहुंच गए. बस UAE यहाँ से एग्जिट करने लगे हैं और फिर ओमान एंटर होंगे. लॉल हो गया. हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें कोई मुंह क्यों नहीं लगा रहा, तो पता चला इसमें कोई है ही नहीं. बोर्ड लगा हुआ है कि आगे अगले पे जाए. होता है, ऐसा भी होता है. बस ये मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हम लोग मोटरसाइकिल्स के हम लोगों को पेपर बनेंगे, यानी कि व्हीकल एग्ज़िट हो रही है यहाँ से, फिर इसके बाद आगे हम लोगों का एग्ज़िट स्टैम्प्स लगेंगी. पहले बाइक्स की होंगी और फिर बाद में हमारे एग्ज़िट स्टैम्प्स लगेंगे. ये हम लोग जो बॉर्डर गुजर रहे हैं, ये हफीत बॉर्डर है ओमान और UAE का. तो ये अब पुलिस मेरे ख़्याल से यहाँ से कुछ चेक करना है इन्होंने. नहीं, इधर भी कुछ नहीं, ये भी वेली है विंडो. चलो जी आगे चलें. यहाँ से किस तरफ जाना है भाई, राइट जाना है या किधर जाना है? बट
बड़े मज़े की यहाँ पे इन्होंने ये वो हेरिटेज हेरिटेज वाली लुक दी हुई है, जो ओमान साइड पूरी है ना, ऐसे लग रहा है जैसे पुराने ज़माने के इन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। बिल्डिंग्स एकदम न्यू हैं लेकिन बड़ी वो कल्चरल सी फीलिंग आ रही है, बड़ा हेरिटेज, यू नो आई रियली लाइक द स्टाइलियन। इनका पूरे हर जगह जितना उन्होंने अपना बनाया हुआ है, बड़ा वो कल्चरल डिस्प्ले कर रहे हैं, अपना कल्चर डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये पासपोर्ट्स आ गए हैं, इमिग्रेशन आ गई है, तो यहाँ पे ओमान के अंदर वीज़े लगने हैं सबके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइम शाइम लग जाएगा। हम बहरीनियों के लिए तो नहीं लगेंगे, लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी है या उन सब के भी वीज़े लगेंगे यहाँ पर, इसलिए टाइम लगने वाला है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑफिशियली इन ओमान नाउ। इमिग्रेशन में टाइम लग गया, वैसे ठीक ठाक टाइम लग गया। अब बस इसके बाद हम लोग जाएंगे कस्टम्स की चेकिंग शेकिंग होगी, वो क्रॉस करेंगे। अब कोई आइडिया नहीं मुझे कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो चलें लेट्स गो। वकास क्या पूछ रहे हैं वो लोग अंदर, वाया सामान वगैरह कुछ? सही है, बस ऑफिसर का वेट करते हैं, वो इशारा करेगा तो फिर मैं बाइक अपनी अंदर लेके जाऊंगा। वाह दैट वॉज सुपर क्विक, दैट वॉज सुपर क्विक। आज तक इतनी जल्दी कस्टम्स से क्लियर नहीं हुआ, आई रियली लाइक इट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब जाएंगे आगे चल के कहीं पे वेट करते हैं, तब तक लड़के आ जाएंगे। एंड टू माई सेल्फ एंड टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग, वेलकम टू ओमान। इन लोगों को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शौक है ये कल्चरल और हेरिटेज वाली चीज़ रखेंगे, बिकॉज़ हर जगह वैसा ही दिख रहा है, सारे बिल्डिंग्स और सब कुछ। शहर में जाके पता नहीं कैसा होगा। चलो आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ, पहली दफ़ा अपनी लाइफ में आया हूँ मैं ओमान, तो लेट्स सी व्हाट ओमान हैज़ टू ऑफर मी। इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी अ वेरी गुड ट्रिप एंड अ मेमोरेबल वन। हाँ जी आ जाएगा वो, ऐसा बस अब से रख लेना सामान, सुन डॉक्यूमेंट्स वापस रख लें प्लीज। आराम से उसे देने देने के लाते हैं। तब फिर हो गया आपका, वो भी रुकने हैं किसे जा रहा जी 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 लगता है वॉल्यूम कम है इसलिए हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ इधर आ जाओ, ट्रक के पीछे पीछे, ट्रक की बत्ती पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइफ में पहली दफ़ा ओमान एंटर हुआ हूँ, और बस अभी हम लोग आए थे और हम लोग को स्टेशन दिखा, ये स्टेशन मिला था हम लोग को, बस हम लोग यहाँ वगैरह पढ़ी और अब खाना वगैरह खाएंगे और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। Thank you.
قمر سن النبي قمر وجميل سن النبي وجميل قمر سن النبي قمر وجميل سن النبي وجميل The world was waiting for the day Then you came, nothing was the same You took away all the pain You were perfect for all to see I dreamed for your company But there's many lovers just like me He was beautiful When you look, you just believe Even the moon cannot compete Habibi Nabi Muhammad Salawatullahi alayhi Nabi Muhammad Salawatullahi alayhi قمر سن النبي قمر وجميل سن النبي وجميل He was so kind, he was divine We believe and know he's the one He is the mercy, the final Nabi We thank Allah for the chosen one He came for everyone He shapes who we become He's a mercy Mercy on mankind He's He was beautiful When you look you just believe Even the moon cannot compete Habibi Nabi Muhammad Salawatullahi alayhi Nabi Muhammad Salawatullahi alayhi Qamaru sinan nabi Qamaru وجميل سن النبي وجميل میرا انرجی لیول زیرو نہیں بلکہ مائنس ہے اور ابھی ابھی کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وی کین ناٹ کنٹینیو ٹو آور ڈیسٹینیشن آئی ایم بٹ فرسٹریٹڈ تو میری طرف سے اللہ حافظ کل ملتے ہیں کل بتاؤں گا کیا ہوا ٹیک کیئر